गाइस सब्सक्राइब कीजिए फिटनेस वर्कर्स चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस अपडेट की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। हे गाइस गुड इवनिंग, दिस साइड इज अवी एंड अगेन आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियो यानी एरोबिक एक्सरसाइजेस कब आपको करनी चाहिए। यदि आप आज इस वीडियो को समझ गए तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको कार्डियो कब करना चाहिए एंड जिससे आप मैक्सिमम फैट लॉस एंड वेट लॉस कर पाए। मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे एंड जो लोग साइंटिफिक वे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, डिटेल में वीडियो बन जाएगी। हमारी बॉडी तीन टाइप के एनर्जी सिस्टम पे काम करती है। फर्स्ट है फॉस्फेगन सिस्टम, सेकेंड है अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस एंड थर्ड है एरोबिक एनर्जी सिस्टम। जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज शुरू करेंगे फॉस्फेगन सिस्टम ही शुरू होगा। इसको इमीडिएट एनर्जी सिस्टम भी कहते हैं। ये सिस्टम सिर्फ 10 से 20 सेकंड तक ही चलता है बॉडी में, उसके बाद ये बंद हो जाता है। क्योंकि इसका रीज़न है, हमारी मसल ज़्यादा क्रिएटिन को स्टोर नहीं कर सकती है। इस एनर्जी सिस्टम का मैक्सिमम यूज़ किया जाता है हाई इंटेंसिटी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सरसाइजेस के लिए, जैसे कि स्प्रिंटिंग, वन रैप मैक्स, हैवी वेट लिफ्टिंग, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस एंड लॉन्ग जंप एक्सेट्रा। फॉस्फेगन एनर्जी सिस्टम के बाद जो एनर्जी सिस्टम शुरू होगा बॉडी में वो होगा अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में बॉडी ऑक्सीजन की एब्सेंस में या लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज को बर्न करेगी एनर्जी के लिए एंड इसी एनर्जी को हम यूज करेंगे जिम में वर्कआउट के दौरान। बॉडी का प्राइमरी फ्यूल सोर्स ग्लूकोज है एंड बॉडी इसी को पहले बर्न करेगी। जब तक बॉडी में ये फ्यूल सोर्स प्रेजेंट है आप फैट लॉस नहीं कर सकते हो। इसलिए जो भी लोग कार्डियो पहले करते हैं एंड वेट ट्रेनिंग बाद में, उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस एनर्जी सिस्टम में बॉडी ग्लूकोज को बर्न करती चली जाती है एंड बहुत सारा लैक्टिक एसिड बनाती जाती है। हाइड्रोजन आयंस के कारण मसल फटीग की प्रॉब्लम होती है। एरोबिक एनर्जी सिस्टम डिपेंड भी करता है और बाद में भी आता है अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस के। जब हम वेट ट्रेनिंग के थ्रू बॉडी में प्रेजेंट ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में यूज करके बर्न कर देते हैं तब बॉडी के पास एनर्जी का सोर्स होता है फैट। एरोबिक एनर्जी सिस्टम में बॉडी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फैट एंड कार्ब्स दोनों को बर्न करेगी। प्राइमरी फ्यूल सोर्स यहाँ फैट होगा। जब भी फैट बर्न होता है वो 20% वाटर एंड 80% कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इसीलिए एरोबिक एक्सरसाइज यानी कार्डियो करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा एक्सहेल करें। सो गाइस अब आप समझ ही गए होंगे कि पहले आप वेट ट्रेनिंग करेंगे एंड ग्लूकोज को बर्न करेंगे एनर्जी के रूप में। उसके बाद अब ग्लूकोज डिप्लीट हो जाएगा बॉडी से एंड बॉडी के पास जो फ्यूल सोर्स होगा वो होगा फैट, जिसे आप एरोबिक एक्सरसाइजेस के थ्रू बर्न करेंगे। हाफ एन आवर तक कार्डियो ज़रूर करें। सो गाइस ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कार्डियो आपको कब करना चाहिए। गाइस यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स के जरिए वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही गाइस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको और भी यूजफुल वीडियोज़ के लिंक मिल जाएगी जो कि हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड, आप उन्हें भी देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।